स्वागत है आपका डिलीशियस कुकिंग में। आज हम बनाएंगे गलौटी कबाब। गलौटी कबाब बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए पिसा हुआ मटन, तला हुआ प्याज, चिरौंजी, काजू, बेसन, जीरा, धनिया, लौंग, इलायची, जायफल, जावित्री, दालचीनी, बड़ी इलायची, गरम मसाला पाउडर और ये क्रीम, फ्रेश क्रीम, ये केवड़ा वाटर, नमक, पपीता, कोयला, लाल मिर्च और ये काली मिर्च पाउडर। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम एक बोल और उस पर डालेंगे हम पीसा हुआ मटन। ये मटन हमारा 250 ग्राम है। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच पीसा हुआ पपीता, कच्चा पपीता, और इसमें डालेंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे एक घंटे के लिए छोड़ देंगे। सबसे पहले लेंगे हम एक मिक्सर का जार और उसमें डालेंगे 20 से 25 रोस्ट किया हुआ काजू, 2 से 3 चम्मच रोस्ट किया हुआ चिरौंजी, 2 बड़ा चम्मच बेसन, चना का बेसन रोस्ट किया हुआ, 2 मीडियम साइज के तले हुए प्याज, 1 छोटी चमची जीरा, 1 छोटी चमची धनिया, 2 टुकड़ा लाल मिर्च, सूखा लाल मिर्च, 2 हरी इलायची, 2-3 टुकड़े जावित्री के, 1 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा जायफल का, 2 से 3 लौंग, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1/2 छोटी चमची काली मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चमची गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटी चमची केवड़ा वाटर और यहाँ पे हमारे पास है 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम। ये सबको पीस के हम एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। हमने ड्राई फ्रूट्स और मसाले को पीस कर अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। 1 घंटा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये पीसा हुआ मसाला। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि मसाला और पिसा हुआ मटन अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें कोयले का धुआं देंगे। अब हम इसमें धुआं डालेंगे। इसके लिए हम इसमें बीच में छोटा सा जगह बनाते हैं। और यहाँ पे हमने बनाया सिल्वर फॉइल से छोटी सी कटोरी, वो हम बीच में डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे जला हुआ कोयला और थोड़ी सी घी। और इसे ढक्कन से कवर कर देंगे। हम इसे कवर करके 1/2 घंटा धुआं देंगे। 1/2 घंटा हो गया है। अब हम इसके कोयले को निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने तेल लिया है, इसे अपने हाथों पे लगाएंगे और इसे गोल गोल कबाब का शेप देंगे।
इस तरह से हम सारे कबाब बना लेंगे। इसे हमने बहुत ज्यादा मोटा बहुत ज्यादा पतला भी नहीं रखा है। हमने सारा कबाब बना लिया है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। कबाब फ्राई करने के लिए हमने एक फ्राई पैन लिया है। अब हम अपना गैस चूल्हा ऑन करेंगे और इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच घी। घी गर्म होने का हम वेट करेंगे। घी हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे कबाब। पैन में हमने कबाब डाल दिया है, हम इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। इसे हम शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। 1 मिनट हो गया, अब हम इसके साइड को चेंज कर देंगे। कबाब का एक साइड बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, गोल्डन ब्राउन। दूसरी साइड पे हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। हमने कबाब को पलट पलट कर दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम इसे किसी प्लेट पे निकाल लेंगे। इस तरह से बचे हुए कबाब को भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तैयार है हमारा ग्लॉटी कबाब। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।